दोस्तों अगर आप भी राशिद खान को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान की जीत के बाद राशिद खान के तिरंगा फहराने पर आया नरेंद्र मोदी का बयान, राशिद खान के साथ भारत की बढ़ाई कर दे दिया रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में अफगानिस्तान की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद राशिद खान ने एक बार फिर से बीच मैदान पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया, जिसको देखकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने राशिद खान के साथ इस बार भारत की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार राशिद खान के तिरंगा फहराने पर नरेंद्र मोदी ने क्या बयान जारी किया, तो आपको बताएंगे ही। जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राशिद खान और विराट कोहली में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वनडे वर्ल्ड कप रोमांचक अंदाज से खेला जा रहा है, जहां पर आज श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान के बीच मैच हुआ। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम को 7 विकेट से जीत मिली। दरअसल इस मैच के अंदर श्रीलंका की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 241 रन ऑल आउट होकर बना दिए, तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी विरोधी अफगानिस्तान की टीम ने इस लक्ष्य को 45.2 ओवर के अंदर 3 विकेट खोकर 10 विकेट अपने नाम कर लिया है। ऐसे में अफगानिस्तान की टीम की जीत के बाद हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। इस बीच राशिद खान ने मैच जीतने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए मोमेंट को दोहराया और श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद भी तिरंगा झंडा फहराया, जिसको देखकर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया। लेकिन इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राशिद खान की तारीफ करते हुए बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की टीम ने आज बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है, जिससे मैं काफी तारीफ करता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम दिन प्रतिदिन दूसरी टीम को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए दूसरी टीमों को मुकाबला दे रही है। इस दौरान इस मैच में अफगानिस्तान की टीम को शानदार जीत मिली है। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम के लिए एक बार फिर से राशिद खान ने सभी का दिल जीत लिया है। राशिद खान ने अफगानिस्तान की जीत के बाद भारत का झंडा फहराया है, जिसको देखकर मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि राशिद खान इस समय भारत के प्रति काफी ज्यादा आकर्षित हो चुके हैं, क्योंकि राशिद खान आज इस दुनिया में इतना बेहतर गेंदबाज बन पाया है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत का हाथ है। इसलिए राशिद खान भारत का सम्मान करते हुए प्रत्येक मैच में जीत के बाद अफगानिस्तान के साथ भारत का झंडा फहरा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि वो अपनी टीम की जीत के बाद भारत का झंडा फहराते हुए बता रहे हैं कि अफगानिस्तान और भारत के बीच कुछ भी गलत नहीं है, दोनों देश के संबंध काफी ज्यादा बेहतर है और दोनों देश एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को जब जब मदद की आवश्यकता पड़ी है तब तब भारत ने मदद पहुंचाई है और इसी की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। और आज अगर अफगानिस्तान की टीम इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पा रही है तो उसके पीछे भी भारत का ही हाथ है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम की तरफ से स्टाफ में भारत के महान खिलाड़ी अजय जडेजा जुड़ गए, जिनके आने से टीम मजबूत हो गई है। ऐसे में राशिद खान का जीत के बाद तिरंगा फहराना और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि किसी भारतीय के कारण अफगानिस्तान को जीत मिल रही है। ऐसे में राशिद खान की एक बार फिर से मैं तारीफ करता हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके इमरान खान ने अपने बयान में अफगानिस्तान की जीत पर इनके सेलिब्रेशन पर कहा, लगता है कि इस वक्त पर अफगानिस्तान की टीम और भारतीय कमेंटेटर केवल इसीलिए मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखा सके। देखिए अफगानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और हमने बहुत बुरा। अफगानिस्तान की टीम लगातार जीत रही है और पाकिस्तान लगातार हार रहा है, इस बात में कोई हर्ज ही नहीं है। अफगानिस्तान जीत रहा है क्योंकि वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में। उनकी जीत से कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जीत के बाद जिस तरीके से वो भारतीय तिरंगे को लहरा कर उसका सम्मान कर रहे हैं, मैदान में चारों ओर घूमकर जीत को इस तरीके से सेलिब्रेट बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को नीचा दिखाया जा रहा है। साथ ही इरफान पठान ने जो हरकत सरेआम टेलीविजन पे की है वो प्रॉपर एंकरशिप नहीं है, वो तो खुद अब पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं ये सब करके। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मेरी अब केवल एक ही दरख्वास्त है, सीधे तौर पर एक्शन होना चाहिए इरफान पठान पर। साथ ही ऐसे सेलिब्रेशन मैदान में बैन होने चाहिए जिससे दूसरे देश को आहत पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए और वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा है बहुत बुरी बात है। दोस्तों लगता है कि इमरान खान सठिया गए हैं। भाई अफगानिस्तान की टीम भारतीय झंडे का सम्मान इसलिए करती है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने ही अफगानिस्तान क्रिकेट को शुरू से सपोर्ट किया है, ना सिर्फ भारत में खेलने के लिए मैदान दिए बल्कि यहाँ पर पहले भी अलॉट कर दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए मैदान। तो भारतीय फैंस तो हजारों की तादाद में उनका समर्थन करने आते ही हैं, वो उनका सम्मान कर रहे थे। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के चंद मुकाबले बचे हैं और अब ये दिन पर दिन रोमांचक होता चला जा रहा है और इसका 30वां मुकाबला ना आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खिलाया गया। अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम आमने सामने इस मुकाबले में आई। दोस्तों दोनों टीमों में ज्यादा फर्क नहीं है
और इन दोनों टीमों में लड़ाई है सेमीफाइनल में पहुंचने की, जहां पांचवें नंबर पर दोस्तों श्रीलंका है तो सातवें पर अफगानिस्तान। खैर दोस्तों मुकाबला शुरू होता है, अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतती है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनती है। सो गेंदबाजी में अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत और प्रदर्शन दोनों लाजवाब रहते हैं। देखिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता पहले विकेट के लिए। आपको बता दें पारी के छठे ओवर में करुणा रत्ने का विकेट लिया था फारूकी ने। दोस्तों पावर प्ले में पहला विकेट मिलने के बाद अगला विकेट गिरा निसंका का। देखिए निसंका ने अभी कुछ ज्यादा बहुत रन तो नहीं बनाए थे लेकिन 40 रन वो बना चुके थे। इसके बाद कुशल मेंडिस 39 रन मुजीब की गेंद पे आउट हुए और समर विक्रमा भी इसी खिलाड़ी के हत्थे चढ़ गए। बाकी आगे चलकर कोई 25-30 से आगे नहीं बढ़ पाया और 10 के 10 विकेट गिर गए थे पारी के 50वें ओवर में 241 रन पर। यानी कि अफगानिस्तान की टीम को 242 चेज करने थे और दोस्तों अफगानिस्तान की टीम चेज कर देगी ये दूसरी टीम कभी नहीं सोचती, हल्के में लेते हैं उन्हें और आज यही गलती भारी पड़ गई श्रीलंका को। कहने को तो दोस्तों शुरुआत श्रीलंका की ताबड़तोड़ थी गेंदबाजी में डिफेंड करने में। दोस्तों गुरबाज नाम के थाकड़ ओपनर ना जीरो पर आउट कर दिए गए थे, एक भी रन अफगानी टीम का नहीं बना था लेकिन उसके बाद कमबैक तो सुनिए। जादरा ने 57 गेंदों में 39 रन चढ़े, रहमत शाह ने 62 रन बनाए और शाहिदी ने फिर 51 गेंदों में 39 रन ठोके, साथ ही साथ उमरतजाई ने 12 रन बना दिए थे। कुल मिलाकर 207 विकेट बचे थे और जीतने के लिए 95 गेंदों में 84 रन चाहिए थे। जीत और अफगानिस्तान की टीम के कदम चूम रही थी लेकिन आगे चलकर 200 मुकाबले में ट्विस्ट आ गया, विकेट पर विकेट गिर गए और राशिद को मैदान में आना पड़ा, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम ने आगे चलकर आसानी से उनकी बल्लेबाजी के दम पर इस मैच को जीत कर अपने नाम कर ही लिया। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप में ना श्रीलंका को हराकर अब पाकिस्तान की टीम से भी ऊपर आ चुकी है अफगानिस्तान की टीम। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही अफगानिस्तान जीता ना तो इस बार तो अफगानिस्तान का ही नेशनल गाना लगाकर इरफान पठान थिरकने लगे, नाचने लगे स्टूडियो में। इस बार राशिद खान तो नहीं लेकिन हरभजन सिंह के साथ दोस्तों इरफान पठान नाचे और खास तौर पर पाकिस्तानियों को जवाब देते हुए इरफान ने इस नाचने का कारण भी बता दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इरफान ने कहा, अब आप बताइए कि अगर दोस्त की जीत और जश्न में दोस्त खुश नहीं होगा तो भला कौन होगा। अफगानिस्तान की टीम ना हमारे लिए दोस्त और भाई जैसी ही है, हमने उनका समर्थन किया है क्योंकि वो नीचे से उठकर ऊपर पहुंचे हैं, मेहनत ऐसी करी है कि लगातार 3 मैच जीते हैं तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। ऊपर से भारत का अफगानिस्तानियों के साथ कुछ खास रिश्ता व नाता है जो पाकिस्तान कभी समझ नहीं पाएगा क्योंकि प्यार की भाषा उन्हें कभी समझ नहीं आई। और अब तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि जितनी बार अफगानिस्तान जीतेगी उतनी ही बार मैं नाचूंगा और पाकिस्तान को ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा मेरी तरफ से। दोस्तों इरफान पठान ने तो नाच कर वाकई में मुंह तोड़ कर रख दिया है पाकिस्तान का और उनका घमंड भी चूर चूर हो चुका है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के चंद मुकाबले बचे हैं और अब ये दिन पर दिन रोमांचक होता चला जा रहा है और इसका 30वां मुकाबला ना आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खिलाया गया। अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम आमने सामने इस मुकाबले में आई। दोस्तों दोनों टीमों में ज्यादा फर्क नहीं है और इन दोनों टीमों में लड़ाई है सेमीफाइनल में पहुंचने की, जहां पांचवें नंबर पर दोस्तों श्रीलंका है तो सातवें पर अफगानिस्तान। खैर दोस्तों मुकाबला शुरू होता है, अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतती है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनती है। सो गेंदबाजी में अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत और प्रदर्शन दोनों लाजवाब रहते हैं। देखिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता पहले विकेट के लिए। आपको बता दें पारी के छठे ओवर में करुणा रत्ने का विकेट लिया था फारूकी ने। दोस्तों पावर प्ले में पहला विकेट मिलने के बाद अगला विकेट गिरा निसंका का। देखिए निसंका ने अभी कुछ ज्यादा बहुत रन तो नहीं बनाए थे लेकिन 40 रन वो बना चुके थे। इसके बाद कुशल मेंडिस 39 रन मुजीब की गेंद पे आउट हुए और समर विक्रमा भी इसी खिलाड़ी के हत्थे चढ़ गए। बाकी आगे चलकर कोई 25-30 से आगे नहीं बढ़ पाया और 10 के 10 विकेट गिर गए थे पारी के 50वें ओवर में 241 रन पर। यानी कि अफगानिस्तान की टीम को 242 चेज करने थे और दोस्तों अफगानिस्तान की टीम चेज कर देगी ये दूसरी टीम कभी नहीं सोचती, हल्के में लेते हैं उन्हें और आज यही गलती भारी पड़ गई श्रीलंका को। कहने को तो दोस्तों शुरुआत श्रीलंका की ताबड़तोड़ थी गेंदबाजी में डिफेंड करने में। दोस्तों गुरबाज नाम के थाकड़ ओपनर ना जीरो पर आउट कर दिए गए थे, एक भी रन अफगानी टीम का नहीं बना था लेकिन उसके बाद कमबैक तो सुनिए। जादरा ने 57 गेंदों में 39 रन चढ़े, रहमत शाह ने 62 रन बनाए और शाहिदी ने फिर 51 गेंदों में 39 रन ठोके, साथ ही साथ उमरतजाई ने 12 रन बना दिए थे। कुल मिलाकर 207 विकेट बचे थे और जीतने के लिए 95 गेंदों में 84 रन चाहिए थे। जीत और अफगानिस्तान की टीम के कदम चूम रही थी लेकिन आगे चलकर 200 मुकाबले में ट्विस्ट आ गया, विकेट पर विकेट गिर गए और राशिद को मैदान में आना पड़ा, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम ने आगे चलकर आसानी से उनकी बल्लेबाजी के दम पर इस मैच को जीतकर अपने नाम कर ही लिया।
लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप में ना श्रीलंका को हराकर अब पाकिस्तान की टीम से भी ऊपर आ चुकी है अफगानिस्तान की टीम। और इतनी शानदार एक और जीत के बाद ना अफगानिस्तान की टीम के अनुभवी खिलाड़ी राशिद खान ने अपने बयान में भारत को लेकर, तिरंगे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई बेहद खुश है। दोस्तों आपको बता दें कि राशिद खान ने अपने बयान में कहा, जब इस वर्ल्ड कप में हमने अपना पिछला मुकाबला जीता था ना, तो मैंने बस अपने देशवासियों से यही कहा था कि आने वाले सारे मुकाबलों को जीतने के लिए जी जान कर देंगे। और सच बताऊं तो पाकिस्तान की टीम को हराकर ही हमें वो कॉन्फिडेंस मिला है इस बार के टूर्नामेंट में कि हम सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच सकते हैं।